गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक लेके आया हूँ जिसमें आप किसी भी तस्वीर को PNG बना सकते हैं। जैसा कि इस ऐप में मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास एक ऐप है बैकग्राउंड रेजर के नाम से, जिसके ज़रिए हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कोई भी तस्वीर को PNG कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और अब हम इसको प्ले स्टोर की तरफ देखते हैं। प्ले स्टोर में जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद सर्च बार में जाके लिखते हैं बैकग्राउंड रेजर। तो ये देखिए, हमारे पास तीसरे नंबर वाली बैकग्राउंड रेजर की ऐप डाउनलोड है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास ये डाउनलोड नहीं आएगा। ओपन की तरह ऊपर क्लिक करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोड इमेज करते हैं। ये मेरे पास एक टिकटॉक का लोगो है, इसको मैंने PNG करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने इसे क्रॉप करना है जितना भी तो क्रॉप कर लें, अदरवाइज़ आप इतने सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको मैनुअल कैसे PNG बना सकते हैं। अगर हम इसको मैनुअल, ये देखें, इस तरह से आप इसको कटिंग कर सकते हो इसकी मैनुअल PNG। अगर आपकी कहीं से भी गलती हो जाती है तो आप इसको एरो की मदद से वापस भी लेके आ सकते हैं। सेकेंड नंबर पर जिसे मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि आप ऑटो के ज़रिए भी इसे PNG कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये ऑटो वाला ही है। आप जो भी कलर को आपने सेलेक्ट करना है, मतलब ख़त्म करना है, इसको मैं वाइट कलर को सेलेक्ट करता हूँ और छोड़ता हूँ, ये देखे PNG हो जाता है। उसके बाद इसे आप जूम करके भी जो इसकी बाकी हिस्सा रह सकता है उसको भी PNG बना सकते हैं। जैसे ये ओ के अंदर आपने वाइट कलर आ रहा है इसे ख़त्म करना, तो इसके ऊपर सेलेक्ट करके ख़त्म कर सकते हैं आप। गाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ करें अगर आपने PNG बनाना है। उसके बाद आप इसे जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। ये देखें, इसे आप डन करें। उसके बाद इसके साइड पे जो कलर्स लगे होते हैं इसको भी आप काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, देन इसको आप सेव कर लें। ये आपकी PNG बन गई। अब मैं एक और फ़ोटो लेके आपको दिखाता हूँ। ये एप्पल की फ़ोटो है मेरे पास। इसको अगर मैंने PNG बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ऑटो के ऊपर सेलेक्ट करके इसके कलर को क्लिक करता हूँ तो ये देखें PNG बन गई। ऐसे बहुत सारे लोगो होते हैं जो हमने PNG बनाने होते हैं, तो आप अपने मोबाइल से ही लोगो को PNG बना सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करें।